असलम एंड वेलकम टू आर नेक्स्ट एपिसोड ऑफ डायलॉग विद मारे अबी एंड दिस इज़ आर रमज़ान स्पेशल तो अब रमज़ान में जो एक हमारी टॉपिक नेक्स्ट आया जो हम सोच रहे थे तो वो आया अदब का अदब एक जनरल वर्ड है और उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती बड़ों का अदब किसी की ओपिनियन का अदब गुफ्तु का अदब डायलॉग का अदब इतनी ज़्यादा चीज़ें और अगर हम देखें आजकल हमारे माशरे में हम लोगों में अदब ख़त्म हो गया है हम लोग बदतमीजी पे आ जाते हैं फौरन ही एक ये वेस्टर्न कॉन्सेप्ट भी मुझे लगता है आफिया और नाजिया कि जब भी हम लोगों ने कोई डिस्कशन करनी होती है हमें एक दूसरे का अदब करने की रवायत ख़त्म हो गई है जो हमारे बड़े अभी कहते थे बेटा दूसरों की बात सुनो दूसरों को मौका दो हर चीज़ में अदब अब बड़ों हम लोग बड़े जो छोटे हालांकि मेरे से एक साल छोटी है हमेशा हम बड़े कहते थे तुम्हारे से बड़ी है, अदब से बात करो तो अब यहाँ बड़े बच्चे छोटे बच्चे का कोई लिहाज नहीं है इसका क्या रीजन है वेल आई एम नॉट ब्लेम के वेस्ट है या कुछ बिकॉज आई थिंक इवन इन द वेस्ट इफ यू सी द लास्ट सेंचुरीज एक बड़े की रिस्पेक्ट भी थी बड़ों की हाँ थी बिल्कुल मेरा तो खैर आ जाता है नीडिया पे बिकॉज द मीडिया हैज इन द मतलब लास्ट मैं कहूंगी तीस सालों में उन्होंने ये यू नो एरोड किया ये चीज खत्म किए अगर आप देखें मुझे एक बहुत सख्त गुस्सा भी आता है मैं ऐड देख रही थी कोई दो साल तीन साल पहले बबल का ऐड था तो मतलब वो उससे आपकी जबान कलर हो जाती है यू नो ब्लू हो जाती है रेड हो जाती है वो तो वो बच्चे जबान चढ़ा रहे हैं बड़ों को मतलब एक बूढ़ी औरत बैठी हुई है उसको आप जबान चढ़ा रहे हो एंड वो बड़े हंस रहे हैं बच्चे सब हंस रहे हैं इट्स नॉट फनी जब आप बच्चों को ये चीज सिखा रहे हो दिस इज ओके हाँ फिर आप दिखा रहे हो कि जी आपने आपको अगेन मैं सारे एड्स की बात कर रही हूँ बिकॉज दे एक्चुअली बॉडल्डियो ये देखता है थिंग तो वो बच्चे ने बॉल मारा किसी वो बूढ़ी आरती बैठी हुई उनका शीशा टूट गया है और बच्चे नाक चढ़ा के भाग गए और मतलब उसको इरिटेट कर रहे हैं तो वो दिखाया है कि जी बूढ़ी चीख रही हैं दैट्स नॉट नाइस आप ये इस तरह खत करते हो कि बच्चे ने छोटी इसमें जिसने उन्होंने अपने पेरेंट्स की अदब तो फिर बच्चे बात भी कि mm -hmm. आप कॉन्स्टेंटली रेडियो आप डिजनी को बड़ा समझते हो कि जी डिजनी बड़ा सेफ चैन एक्चुअली नो उसमें तो दीज थिंग्स ये मीडिया से आते है हैं सबसे ज्यादा इरोड वो तो जो बार बार बात करते हैं सबलिमिनल मैसेजिंग का ये सबलिमिनल मैसेजिंग हमारी मीडिया से ही आती है हमारे बच्चे हम लोग उनको टीवी लगा के अगर छोड़ दें तो आप जो भी चैनल हम कहते हैं यार ये तो कार्टून नेटवर्क है या नेटफ्लिक्स में कोई बच्चों की कोई चीज़ है लेकिन उसमें सबलिमिनल मैसेजिंग मैंने ये भी देखा है कि माँ बाप को क्वेश्चन करना था ना ओ यू नॉट कूल इट ऑफ यू डोंट नो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें कभी कभी मैं देखती हूँ कि मेरा बेटा ये जो बात कर करे इसी सुनी का आज है आई रियलाइज ये तो से 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 सुनी हुई है उसका इफेक्ट क्या हो रहा है हमारी सोसाइटी में um, okay, मेरा थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग ये है थोड़ा सा अदब पर ही बात करूं तो वो लव अबाउट अरेबिक इसके अरेबिक में ना एट के कई मीनिंग होते हैं Mm -hmm. और उसकी कई मतलब निकलती क्योंकि एक रूट वर्ड होता है जिसकी कई कई मीनिंग होते हैं तो अदब बेसिकली mm -hmm. उसके काफी सारे जो मीनिंग निकलते हैं उसमें या, एक तो तमवीज आ जाते है ठीक है एक रिस्पेक्ट आ जाता है फिर एक चीज mm -hmm. को करने का तरीका आ जाता है यू डिफाइन प्रोसेस ठीक है अब हम इतने ब्लेस्ड लोग हैं कि हमें ना प्रोसेस के पूरे पूरे प्रोटोकॉल्स और मैनुअल्स बने हुए मिले yeah. सुनत से ठीक yes. है सो so, हमें ये बताया गया कि हज़ूर पा सल्ला वसल्लम का कोई भी काम करने का तरीका जो था या अदब जो था और वो फाइनेस्ट था मसला ये है कि हमने उसको खुद ही अहमियत नहीं दी हमने उसको समझा नहीं अब देर इज अ रीजनिंग एंड अ वर्च्यू बिहड एवरी थिंग देट ही डिड अगर पानी पीने का अदब है ना तो वो अदब बताया कि पानी पीने का अदब क्या है बैठने का अदब बात करने का अदब सोने का अदब जागने का अदब हर चीज का अदब और उस चीज के पीछे एक साइंस भी है यानी कि पानी आप खड़े होके क्यों ना पियो आप उस आपकी बॉडी पे उसका फर्क पड़ता है बहुत सख्ती से मना किया है अगर आपने नाखून काटने कैसे काटने एक्सेट्रा एक्सेट्रा अब हमने क्या किया हमने उस अदब को ना पढ़ा ना समझा ना रिलेट किया साइंस से ना प्रैक्टिकल से हमने खुद ही अदब नहीं किया तो फिर हमने मीडिया को हैंड ओवर कर दिया जो हम खुद इतने मसरूफ हैं बाकी जो टाइम होता है वो बच्चों के पास वही चीजें होती हैं देखने को जो उनको अब अदबी सिखानी है तो हमने तो खुद ही नहीं अदब सीखा किया वाकई वाकई मुझे लगता है कि हमारी डाउनफॉल इसी वजह से हुई है कि हमने उस अदब को समझा ही नहीं सीखा नहीं जबकि मुस्लिम ट्रेडिशन में अदब बहुत अहमियत रखता है वाकई जैसे नाजिया में बता रही थी ना वो जो आई एम नॉट टेक नेम्स बिकॉज भूल जाते हैं और गलती ना हो जाए पर दो इमाम इमाम हमारे जो है चार इमामों से उनके दो का एक हिस्सा है कि एक टीचर थे दूसरा स्टूडेंट था तो वो जब घर गए अपनी अम्मी के पास तो उनने उनकी वादा ने पूछा कि आज आपने क्या सीखा तो उसने कहा उन्होंने कहा कि मैं आ, मैंने इल्म सीखा और बताया ये ये सीखा फिर उसने कहा कि उनने कहा कि मैंने आ, फिर अदब सीखा सेकेंड उनने कहा मैंने अदब सीखा तो उनके वाजा ने कहा कि आप वापस जाओ एंड वो बड़ा कन्फ्यूज कि मैं वापस क्यों जाऊं तो वापस अपने टीचर के पास गए तो जब उन्होंने कहा कि मेरी वालदा ने कहा मैं वापस आपके पास जाऊं तो उन्हें कहा कि वो उन्हें मुस्कुराया उन्होंने कहा अच्छा आप जब वापस जाओगे वालदा पूछेंगी कि क्या सीखा तो फिर कहना पहले ही मैंने अदब सीखा हिर बिकॉज इल्म सीखने का भी अदब है हाँ और इस्लाम में जितना अहमियत अदब को दी गई है हर चीज जैसे आफिया कह रही थी बैठना उठना बात करने की तमीज़ है दूसरे से किसी को सुनने की क्या तमीज है और हमारी एक जो हम इस्लाम का खत्म हो गया ना अदब ऑफ हाँ, डिबेट हाँ हर इशू पे डिबेट होती थी मतलब ये सारे इमाम जो थे बैठ के डिबेट करते थे दूसरे से हम तो उस पर आ जाते हैं ना कि ये आपने क्यों कह दिया ओपिनियंस अब कुछ पता होता नहीं हमें ऐसी डिबेट शुरू कर देते हैं उसकी सबसे पहले मैनर्स होते थे कि डिबेट कैसे करनी है उस और फिर वो टॉपिक क्लियर होता जाता

स्पेक्ट है ना, तेजी, जब अदब बच्चों को सिखाते थे माँ बाप कि अदब से बैठ के तो एक पेशेंस भी आती कैसे yes. आपने पेशेंट ही दूसरे की बात सुननी है और फिर सोचना है और कहते चुप करके बैठ के सुनो तो सिर्फ तो उस सुनने में जो लर्निंग होती है जो पेशेंस स्पेंड करती है कि हर वक्त हम एक डिस्कशन में अपनी बात समझाने या बताने नहीं जा रहे दूसरों की बात से सीखने भी जा रहे अब जब डिबेट होती है डिस्कशन होती है वो सिर्फ लड़ाई होती है कि नहीं आपस मुझे से ही कहें भाई आप ही एक जो एंड में वी अग्री टू तो डिस वाला क्यों नहीं आप कॉन्सेप्ट ला सकते तो इवन डिबेटिंग के अदब और मेरा ये है कि अदब जो आप इस्लाम की भी बात कर रहे थे अदब से आप में जो एक पेशेंस, टॉलरेंस, बड़ों की जो अदब की पेशेंस yeah, exactly. अजा हम क्या करते हैं ना वी आर प्रो टू थिंकिंग इस्लाम इज नॉट को हमने उसको पीछे रख दिया है हमने अपने शेन्स पे रैप करके उसको रख दिया है. अगर आप देखिए अग जापानीज सिविलाइजेशन को या जापनीज़ कल्चर को उसमें अभी भी अदब बहुत है उनको बात करने का तरीका उनकी जो उनकी स्पेसेस होती हैं उनको मेंटेन करना अभी फीफा के वर्ल्ड कप में क्या हमने देखा था कि वो ना सिर्फ अपने ही मुल्क को साफ रख रहे हैं लेकिन किसी और के मुल्क में भी जाके वो साफ़ करके चलते जा रहे हैं जो हमारे नबी करीम सल व्म ने फरमाया था कि तुम जहाँ से जाओ वहाँ पे उस जगह को उससे ज़्यादा साफ करके निकलो जब आप तुम वहाँ पहुंचे थे तो अमल कौन कर रहा है तो बात ये है कि किसी भी चीज को करने का प्रोसेस अब देखिए कि जापानीज लोगों ने तरक्की किस तरह से की है और उन्होंने प्रोसेस इनोवेशन की है प्रोसेस को मुसलसल इम्प्रूव करते रहें करते रहें yes. करते रहें उनकी टेक्नोलॉजी प्रोसेस इम्प्रूवमेंट पे बेस करी और हमें ये चीजें सब कुछ मिली हुई है जिसपे कभी हमने रिसर्च की कि हमने कभी ये नहीं सोचा कि अगर छोटी छोटी चीजें हैं कि

अदब को या प्रोसेस को फॉलो किया है वो अब तक कहीं ना कहीं है hmm. अनफॉर्चुनेटली हमारे इवन तालीम जो है ना वो सेक्यूलर जब से हो गई है तो तालीम से अदब का पहलू निकल गया है hmm. अब तालीम सिर्फ ब्रेड्स तक रह गई है और अच्छे इंस्टीट्यूट में जाकर आप आप एक ट्रॉफी डिग्री ले लें और एक अच्छी जगह पे आपका करियर बन जाए लेकिन अदब सारा निकल गया है हाँ अभी आप देखिए ना जो आजकल हमारी मतलब पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया में जो हमारे इंस्टीट्यूशन जो बच्चों का हाल है हाँ. अगर थोड़ी सी मतलब हाँ, do you remember हमारी टीचर्स कितना एफर्ट करती थी ऑन टीचर लिटिल थिंग्स लाइक क्लास में आके बैठना कैसे सीधा कैसे बैठना nah, है भी yes. साथ बैठना है तो छोड़े एक दूसरे का रिस्पेक्ट तो कहीं है नहीं बच्चों में। ए, का भी अब जो बच्चे हैं और अब तो कोई टीचर कह दे तो आगे तो पेरेंट्स आ जाते हैं आपका बच्चा गलती कर सकता है यू you नो know, yes. जब आ, आप ये भी एक अदब की चीज़ है कि टीचर ने अगर आपके बच्चे को टोका है तो अगर आप टीचर का अदब नहीं कर रहे हैं तो बच्चा क्यों करेगा आप बच्चे को ये सिखा रहे हैं कि आप और उस्ताद का रुतबा वाज जितना आप अल्लाह ने उसके किया yes. और हमने क्या कह दिया है कि जी आप टीचर से बदतमीजी करो टीचर आपको कभी नहीं डांट सकती आप मतलब बच्चे को भी आप ख़राब कर रहे हैं और एक पूरी लर्निंग प्रोसेस को आपने तबाह कर दिया

वो घर से स्टार्ट होता है आप ये अगर बत्तरी बच्चे हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि ये तो स्कूल का है हाँ। ये तो टीचर ने ये किया लेकिन ये लोगों में बहुत ही आ गई है कि आप जी स्कूल ना भेज रहे हैं, तो स्कूल में सिखाए ना नहीं really. वो बच्चा जो घर में देखता है उसको रेप्लीकेट भी करता है और आप दूसरों पर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी भी नहीं डाल सकते और सिर्फ ये डिफरेंस नहीं है कि आप जैसे से हमारा क्योंकि फैमिली सिस्टम भी है बड़े भी होते हैं घर पे इट्स नॉट ओनली कि आप बच्चों को कहेंगे कि तमीज करो आप अपने पेरेंट्स से कैसे बात कर रहे हैं yes, आप अपने yes, से कैसे बात कर रहे हैं yes, yes. अगर यू नो हस्बैंड और वाइफ लड़ाई कर रहे करें दूसरे पे चीख रहे हैं और ये ये नहीं है कि आदमी औरत पे चीख रही है औरत आदमी पे चीख रही है दोनों चीजें बच्चे जब देखते हैं बेअदबी बेअबी होगी हो अच्छा ये ऐसे चीखना चलाना ही है किसी की रिस्पेक्ट नहीं है तो ये दिस ऑल रिलेशनशिप्स उन सबका अदब घर में बड़ों की जैसे आई वुड से इन द वेस्ट वी बिल्कुल खत्म हो गई है कि ओल्ड होम्स में डाल दिया ये कर दिया दैट इज ऑफ हाँ अभी जो तुम बात कर रहे थे ना वो पहले के जी आ, हमारे पास हम जो भी टाइम होता है बिठा देते हैं वो टाइम पहले बच्चों का गुजरता था नानी नानी दादी दादी के दादा के पास और वो तरबियत का एक सेकेंडरी वो भी फॉर्म होता था, था, था अब बच्चे उनके पास बैठते भी नहीं है ना वो स्टोरी टेलिंग ना वो हमारी हिस्ट्री जो सारी पेशेंस जैसे हम लोग अपनी नानी या दादी के पास बैठते थे, थे और वो हमें स्टोरी सुनाती थी और हमें पता चलता था फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान कैसे बनाया है हमने कितनी शहादतें देखी कुरबानियाँ देखी पाकिस्तान बनाया है, तो हमें पाकिस्तान की एक रिस्पेक्ट और एक एक हमें ना एक पेन है अपने मुल्क के लिए लेकिन हमारे बच्चों में ये ट्रांसफ़र नहीं हो रही क्योंकि जो टाइम उनके पास होता है वो तो हमारे पास भी नहीं बैठते लेट लोन की बड़ों के पास बैठे वो टीवी के सामने जाके बैठ जाते हैं So, इसको किस तरह कम करना खत्म तो हम नहीं कर सकते लेकिन कम किस तरह करना है वो बहुत जरूरी है ताकि वो अदब का पॉइंट हमारे बच्चों में इस तरह भी आ सके लेकिन जो मुझे सबसे ज्यादा बोधा करती है ना बात कि अदब के लिए हम सारे एज ए सोसाइटी हम फेल हो रहे हैं और उसकी रीजन हम सिर्फ मीडिया पे डाल सकते हैं क्या हम उसको ब्लेम सिर्फ मीडिया पे कर सकते हैं आई थिंक इटेड दिस वेरी वेल्थ क्यों नम लोगों से आइडियन बिहेवियर एक्सपेक्ट करते हैं एक्चुअली इट्स टार्ड फ्रोम आर स्पोर्ट सबसे पहले आप अदब खुद करें Hmm. जो भी चीज है छोटी छोटी चीजें hmm. अपनी घर की स्पेस को मेंटेन करना अगर आप काम करते हैं तो काम को वो हक देना जो उसका है बिल्कुल क्योंकि भिल्कुल. अदब में कंट्रीब्यूशन और रिस्पेक्ट आ जाते उस काम को रिस्पेक्ट दें वो आपको अल्लाह ने दिया है वो रोल दिया है ना yes. तो हर रोल की जो हम पहले अकीदे की बात कर रहे थे और अकीदे से ही अदब निकलता है hmm. तो हर चीज का खुद से अदब करना सीखे और ये चीज़ें वही बात है कि शुरू से डाली जाती हैं लेकिन आप जाहिर है अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हैं और आपको लग रहा है कि ये ये चीज़ें नहीं कंट्रोल हो पा रही तो एटलीस्ट मेक अ स्टार्ट सम हुए बजाय आर्ग्यूमेंट करने के talking, down down. या टॉकिंग डाउन एंड दम या अपने आप देखिए कि अपने रोल्स में आपके स्टाफ हैं आपके इन लॉज हैं आपके हस्बैंड हैं आपके रिलेटिव हैं आपके सिबलिंग्स हैं आप कैसे उनसे है? आप किस तरह से बातचीत कर रहे हैं आप उनसे कैसे आपका लेना देना कैसा है उसमे उस रवैया कैसा है आप उसमें अदब लेके आए ताकि कुछ उनको जरा दुनिया दे, में लोगों की जिंदगियां बदली वो सब वो चीज करके दिखाते थे ठीक है ना तो जो भी द ग्रेटेस्ट पीपल ऑफ ऑल टाइम लिव्ड बाय द देव दे सो हम ठीक है हम वहां तक तो कर सकते हैं हम बहुत हम में भी कमियां हैं लेकिन ये कि करना शुरू करें दूसरों से एक्सपेक्ट एक्सपेक्ट करने की जब आप दूसरों से एक्सपेक्ट करते तो हमारे अंदर में एक तनफी आ जाती है hmm. ये वो नहीं कर रहा ये नहीं कर रहा लेकिन जब खुद करना शुरू करें ना तो देर इज सो मच टू बी डन और फिर आप वो रास्ता चलना शुरू करते हैं ह्यूमिलिटी आती है और फिर आपको दूसरे लोग भी देख के कहते हैं कि चलो दे आर ट्राइंग यस द की हम सबको ट्राई करना है हम किसी को ग्लेम नहीं कर सकते एज ए सोसाइटी कि हमारे माशरे में अदब क्यों खत्म हुआ है माई बाप सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है अब अब हम देखें हम लोग वर्किंग मदर्स हैं तीनों और फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चों को पिक ड्रॉप करना बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बच्चों को खुद पढ़ाना आई फील कि हमारी आ, उस वो जो सारा अदब का टाइम था बच्चों को नर्चर करने का बच्चों को ट्रेन करने का वो हमारे पास टाइम नहीं है और नॉट किस hmm. मैं दे, देखती हूँ भी टाइम नहीं दे रही अपने बच्चों को और ये एक सोसाइटी का मुझे लगता है, भी है कि जी बच्चों साथ करना मतलब आप कुछ so बड़ी, बड़ी चीज करें अपनी इससे बड़ी, बड़ी चीज क्या हो सकती है कि आप बच्चों की ट्रेनिंग सदका जा जो हमारा फ्यूचर है उस पर आप टाइम स्पेंड करें तो ये वाला जो कॉन्सेप्ट अदब का आप छोड़ नहीं सकते और आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप क्वेश्चन होंगे जब आप अगली जिंदगी में जाएंगे राइट right? यस yes. तो ऑन दैट नोट शु बी एंड दिस डिस्कशन एंड इन हम नेक्स्ट टाइम एक और टॉपिक के साथ आएंगे खुदाफि